वीडियो चैप्टर 7 का आखिरी हिस्सा है, जिसमें हमने पिछली वीडियोस में जो वेरिएबल्स डिफाइन किए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, उनको हम अप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम में और सिंपल पेंडुलम में। उसके बाद हम एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और आखिर में हम किसी सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी और रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। हमने एक स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टली अटैच किया हुआ एक फिक्स्ड बॉडी के साथ, और उसके आगे एक बॉल अटैच्ड है, एक मास अटैच्ड है। इसको हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम कहते हैं, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है अगर इसको इसकी मेन पोजीशन से हटाया जाए। हम देखना चाहते हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वगैरह क्या होती है, इसके मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने इक्वेशंस डिराइव की थी, जिसमें ये इनके इन क्वांटिटीज के बराबर थी। तो अगर मुझे, और इसी तरह एक्सेलरेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं, अगर मुझे ओमेगा पता हो और मुझे एक्स नॉट पता हो तो मैं ये वेरिएबल्स फाइंड कर सकती हूँ। तो इसलिए एक्स नॉट तो मुझे पता है उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड है, वो आराम से पता किया जा सकता है। ओमेगा मैं पता करना चाहती हूँ, जो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इस वक्त मैं ओमेगा पता करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके लिए मैं हुक्स लॉ से शुरू करती हूँ। हुक्स लॉ मुझे बताता है रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के टाइम्स एक्स होता है। एक्स उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है मीन पोजिशन से, और के स्प्रिंग का इलास्टिक कॉन्स्टेंट होता है। इसको मैं इक्वेट करती हूँ न्यूटन के सेकेंड लॉ के साथ, जो कि मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है फोर्स। तो ये फोर्स भी मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। इन दोनों को मैंने अगर इक्वेट करूँ तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाती है माइनस के एक्स ओवर एम। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलरेशन हमने देखा के बराबर थी माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर के, सॉरी एक्स नॉट नहीं है, एक्स किसी भी पोजिशन पे एक्स ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती थी। इन दोनों चीज़ों को मैंने इक्वेट किया तो मेरे पास ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट के ओवर एम। ये आप करके देख सकते हैं, माइनस एक्स से कट जाएगा और ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा के ओवर एम के। तो ओमेगा अंडर रूट के ओवर एम आ गया। इसको मैं ओमेगा को वेलोसिटी वगैरह में रिप्लेस करके डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी फाइंड कर सकती हूँ। फर्स्ट करें, हमारे पास एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ एल है, और इसको हम डिस्प्लेस करते हैं अपनी जगह से, और इसकी डिस्प्लेसमेंट तकरीबन एक्स के बराबर होती है एक स्ट्रेट लाइन में। इसकी आर्क लेंथ एस होती है, मगर हम अज्यूम करते हैं कि एंगल थीटा इतना छोटा है कि एस और एक्स तकरीबन बराबर हैं, तो हम फिलहाल एक्स को कंसिडर करेंगे। अब इस बॉल के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। ये बॉल स्ट्रिंग की वजह से लटका हुआ है, स्ट्रिंग इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा यूं। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसको हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। इसका एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके बराबर होता है? एम जी के। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बराबर होगा एम जी साइन थीटा। थीटा ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और इसका दूसरा कॉम्पोनेंट एम जी कॉस थीटा है। अब पॉइंट समझने वाला ये है कि जो हमने कहा था कि रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जब कोई चीज़ अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा होता है। तो इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से पैदा हो रहा है, और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का बेसिकली हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है जो इसको वापस अपनी मेन पोजिशन पर लाने के लिए मजबूर कर रहा है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हो गया बराबर रिस्टोरिंग फोर्स के। और साइन थीटा अगर हम ऊपर येलो वाली ट्राइंगल कंसिडर करें, तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है हमारा एक्स ओवर एल, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैंने आपको बताया कि टेंशन जो स्ट्रिंग का जो फोर्स था उसके ऑपोजिट है, तो इसके साथ माइनस साइन आएगा। रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के, यानी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस पेंडुलम में एक एक्सेलरेशन पैदा होती है, और उनका रिलेशनशिप है मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है। अब मैं मास को मास से काट देती हूँ, एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई बेसिकली माइनस जी एक्स ओवर एल। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में वैसे एक्सेलरेशन बराबर होती है माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर के। इन दोनों को हम इक्वेट करके हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाता है जी ओवर एल, जो कि हमारी ओमेगा की वैल्यू है, और ओमेगा की मदद से हम फिर डिस्प्लेसमेंट और बाकी सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी कर रहे हैं मैकेनिकल डोमेन में। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में फॉर्म्स बदलती रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलेगी, काइनेटिक पोटेंशियल में, मगर टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। इसकी हम एग्जांपल यू देख सकते हैं कि जब हमारे पास एक पेंडुलम होता है, और ये हमने एनर्जी पढ़ते हुए भी ये एग्जांपल देखी थी, पेंडुलम जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है,
और जब ये एक्सट्रीम पोजिशन पे होता है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और फिर जब ये मूव करता है तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ तक कि जब ये अपनी मीन पोजिशन पे आता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई हुई होती है, इसलिए जब ये मीन पोजिशन पे होता है उसके अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, फिर इसी तरह दूसरी एंड पे जाता है फिर पोटेंशियल एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाती है। तो सिंपली इसका प्रिंसिपल ये है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी चीज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव करी हो, स्प्रिंग हो, उसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। जब ये अपनी मीन पोजिशन पे होता है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, जब ये एक्सट्रीम पोजिशन पे जाता है, जब कंप्रेस हो जाता है या जब एक्सपैंड हो जाता है, तो फिर उसके अंदर सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। टोटल एनर्जी हम टोटल एनर्जी उतनी होती है किसी सिस्टम में जितना उसके ऊपर वर्क परफॉर्म होता है। तो हम अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करें तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ सकती है। फोर्स किसके बराबर है? माइनस के एक्स के बराबर है। और डिस्प्लेसमेंट, फिर उसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर की। अगर हम मास स्प्रिंग की बात करें तो ये हुक्स लॉ स्प्रिंग के लिए वैलिड होता है, इसलिए हम हुक्स लॉ यूज़ करें। तो ये उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और ये उसका रिलेशनशिप है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी, टोटल वर्क डन है, माइनस के एक्स नॉट होल स्क्वायर। ये हमारी टोटल एनर्जी है जो हम स्प्रिंग सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं, और ये एनर्जी फिर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है। इसकी हम डेरिवेशन में इस वक्त नहीं जा रहे, इस वक्त हम सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। इन वाइब्रेटरी मोशन पोटेंशियल एनर्जी रिमेंस कॉन्स्टेंट, काइनेटिक, टोटल एनर्जी, टोटल मोमेंटम, इन सब में से कौन कौन सी चीजें कॉन्स्टेंट रहती हैं वाइब्रेटरी या सिंपल हार्मोनिक मोशन में? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें पता है कि आपस में इंटरचेंज होती रहती है, तो ये दोनों कॉन्स्टेंट नहीं रहती। टोटल एनर्जी जो कि सम होती है पोटेंशियल और काइनेटिक का, ये कॉन्स्टेंट रहती है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक है, मगर हम ऑप्शन डी को पहले देखना चाहते हैं। टोटल मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टोटल मोमेंटम जो होता है वो मास और चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम, और ये बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम के, इम्पल्स। अगर आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं एक टाइम के लिए तो आप मोमेंटम चेंज करते हैं एक सिस्टम का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल मोमेंटम इंजेक्ट कर दिया जाए वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मगर जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमने स्टडी किया जिसमें स्प्रिंग था या पेंडुलम था, ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसमें स्प्रिंग को हमने फिक्स किया हुआ था दीवार के साथ या पेंडुलम को हमने किसी चीज के साथ फिक्स किया हुआ था, तो एक स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग में टेंशन थी, तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग एक फोर्स एग्जर्ट कर रही थी इसके ऊपर। तो चूंकि फोर्स हमारा जीरो नहीं है, फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उस सिस्टम के ऊपर, इसलिए मोमेंटम हमारा कॉन्स्टेंट नहीं होता, टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है। किसी भी सिस्टम को जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसमें होता है उसकी एक फ्री ऑसिलेशन या नेचुरल ऑसिलेशन होती है जिसको हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मसलन अगर एक स्प्रिंग सिस्टम है और इसको अगर मैं हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट करता रहेगा, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है कि वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। इसके बरक्स एक फोर्स या ड्रिवन हार्मोन ऑसिलेशन, इसके बरक्स एक ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेशन होती है। ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेशन में क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली एक फोर्स उसको वाइब्रेट करने के ऊपर मजबूर कर रहा होता है। मसलन अगर यही स्प्रिंग है और मैं एक फोर्स बार बार इसके ऊपर अप्लाई करूं रिपीटेडली पीरियोडिकली, तो ये इसकी ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से नहीं ऑसिलेट करेगा, फिर ये एक और फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा जो कि मेरे फोर्स के ऊपर डिपेंड करी होगी। इसकी मिसालें हैं कि अगर फैक्ट्री के जो ग्राउंड होता है, फैक्ट्री की जो फर्श होता है उसके ऊपर बहुत हैवी मशीनरी चल रही होती है, एक खास ऑसिलेशन होती है उस मशीनरी की, उसकी वजह से इसका फ्लोर भी ऑसिलेट करना शुरू कर देता है उसी फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि उसके ऊपर रिपीटेडली वो फोर्सेस लग रहे होते हैं। हमने देखा कि कोई सिस्टम है उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और फिर हम उसके ऊपर एक फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, एक फोर्स अप्लाई कर सकते हैं एक खास फ्रीक्वेंसी से जिसको हम फोर्स फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, सिस्टम के ऊपर हम डाल रहे हैं, तो फिर ये सिस्टम अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं करता बल्कि फोर्स फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है। अब हम एक ऐसा केस कंसिडर करते हैं जिसमें फोर्स फ्रीक्वेंसी जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तो फिर क्या होता है, हमारे पास एक फिनोमेना होता है रेजोनेंस, जिसके नतीजे में इस सिस्टम का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसको हम यूं देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड का कर्व हो, ये एक खास फ्रीक्वेंसी है जो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो अगर हम फोर्स्ड एक्स एक्सिस के ऊपर फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है,
एक खास फ्रीक्वेंसी, जब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो इस सिस्टम का एम्पलीट्यूड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस चीज़ को हम रेजोनेंस कहते हैं। हम इस रेजोनेंस को कई दफ़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मसलन जैसे ब्रिजेस की एग्जांपल में, ब्रिज जब हम बनाते हैं तो वो टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम चाहते हैं कि वो ना हो, तो हम इसको डैम्प करने की कोशिश करते हैं। डैम्प का मतलब होता है कि रेजोनेंस या कि कोई भी फ्रीक्वेंसी को कम करने की कोशिश करना, डैम्प करना, मतलब वो ख़त्म हो जाए। तो हम उसका मास चेंज कर सकते हैं, उसकी लेंथ वगैरह चेंज कर सकते हैं, जिन भी चीज़ों के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड करता है। उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने देखा था जी ओवर एल के ऊपर डिपेंड करती थी पेंडुलम के केस में, और स्प्रिंग के केस में के ओवर एम के ऊपर डिपेंड करती थी। तो यानी हम मास या पेंडुलम की लेंथ, इन सब चीज़ों को चेंज करके हम फ्रीक्वेंसीज चेंज कर सकते हैं, उनको डैम्प कर सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं डैम्पिंग, और इसके नतीजे में फिर हमारी रेजोनेंस का इफेक्ट कम हो जाता है।